हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। निकिता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ दही बड़े की सब्जी। ये दही बड़े हैं, मैंने फ्राई करके लिए थे, और ये है टमाटोज जिन्हें मैंने धो के लिया है, और इसमें ग्रीन चिली डालूंगी, इनको ग्राइंड करके लूँगी। ये 5 टमाटर लिए हैं मैंने, इनको मैं अभी ग्राइंड कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत झटपट बनती है। मैं थोड़ा सा इसमें तेल डाल दूँगी। तेल डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी, थोड़ी सी मस्टर्ड सीड्स डालूंगी, ब्लैक वाले, राई जिसे बोलते हैं वो डालूंगी। अब ये जीरा हमारा तड़क गया है। अब मैं इसमें टमाटो प्यूरी डालूंगी जो मैंने ली थी। अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये बहुत ही झटपट बनती है सब्जी, को 5 से 10 मिनट ही लगते हैं बनाने में। गैस मीडियम कर दूंगी ताकि हमारा टमाटो अच्छे से पके। अब मैं इसमें सूखे सब मसाले डालूंगी, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब इसे हम यूं ही 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा ऑयल ऊपर आ जाए। फ्रेंड्स देखिए, ये एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा इसका हाफ स्पून आटा डाला है इसमें, और धनिया पाउडर और पानी डाल के मिक्स किया है। ये हम इस सब्जी में डालेंगे। इसको हम सिंधी में डोदी बोलते हैं, आटे की डोदी। तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये सब्जी बेसिकली मेरी सास ने मुझे सिखाई है, वो बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो आज सोचा कि मैं भी ट्राई करके देखती हूँ उनके जैसे बनती है कि नहीं। तो खाने में बहुत टेस्टी रहती है। अब हम ये जो आटे की डोदी बनाई है वो इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पानी डालेंगे रस्सा बनाने के लिए। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, अब इसे हम बॉयल आने तक वेट करेंगे, फिर हम इसमें दही बड़े डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से उबल रहा है अभी। अब मैं इसमें दही बड़े डाल दूंगी। देखिए, ये सब्जी बहुत ही इजी है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी, और इसको हम 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे ताकि हमारे दही बड़े सॉफ्ट हो जाएं। बस फिर ये रेडी है खाने के लिए सब्जी। इंस्टेंट सब्जी है। अगर दही बड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो आप ये सब्जी ट्राई कर सकते हैं। उसे हम ढक्कन लगा देंगे 2 मिनट के लिए। फ्रेंड्स देखिए, ये बनके रेडी हो गई है, मैंने सर्व कर दी है। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताना कि आपको कैसे लगी। थैंक यू।